सतगुरु सच्चे पातशाह जी की साजी नवाज जी परम सत्कार जो गुरु खालसा साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी विच अमेरिका निवासी थमिंदर आनंद वालों फर्क पाउण दी जो चेष्टा की गई है उस मसले नूं लैके उसदी हमायती कुछ पंथ दुखियां वालों कलगीधर पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी की साजी नवाज जी दमदमी टकसाल बारे ते दमदमी टकसाल के मुखी महापुरख संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा जी के बारे निर आधार प्रचार करदिया होया एक वीडियो भी और एक पीडीएफ फाइल भी सोशल मीडिया से वायरल की गई है जिस दे विच झूठे दोष लगाए गए है कि दमदमी टकसाल ने दमदमी टकसाल के मुखी ने गुरबाणी के पाठों में ते लगा मात्रा में फर्क पाया है जदों कि यह वावेला जिहड़ा बहुत झूठा है ते यह वीडियो ते पीडीएफ वायरल करके संगतां नूं गुमराह करन दी इन्हां लोकां वल्लों कुछ ही कोशिश की गई है। यह पीडीएफ बनाउण वाले नूं गुरु की बाणी का उक्का ही कोई ज्ञान नहीं जिसका सबूत यह है कि जो पीडीएफ फाइल उन्हें पाठों के फर्क की यह बना के पाई हुई है उहदे विच जो सस्से लावां जज्जा नन्ना इकट्ठे अखर लड़ीवार सरूपां विच आ रहे ने सेज जन पाठ बनता तो उसने सेज ना करके लिखिया इतों संगत अंदाजा ला सकते हैं कि इन्हों गुरबाणी के पाठों बारे कि सोझी है इस व्यक्ति उसकी टीम को कोई सोझी नहीं। इन्हों व्यक्तियों असं ये सवाल करते हैं कि श्रोमणी कमेटी तो दमदमी टकसाल के छपे हुए जो गुरबाणी के सरूप ने सेंचियां ने इन छापिया के पाठ अंतर पाठ भेद फर्क लभन लगिया ते संगतां दे सामने रखन लगे हाँ इस व्यक्ति का इहदे सहयोगियों वालों श्री गुरु ग्रंथ साहिब के किसी पुरातन हथ लिखित सरूप की कोई प्रचोर की गई कोई पाठों का मिलान किया गया नहीं बिल्कुल नहीं किया गया काली दे विच इन्हां ने केवल दे केवल दमदमी टकसाल नूं ते दमदमी टकसाल के मुखी नूं बदनाम करन दे वास्ते ते संगतां दे विच उह थमिंदर आनंद वर्गे व्यक्तियों की टेढ़े तरीके दे नाल पुष्ट पनाई करने वास्ते इन्होंने एक झूठी वीडियो एक बना के पा दी। जे पाठ भेदा की जिनी लिस्ट उसने पेश की है उन्होंने विचों कुछ पाठ भी जो उसने प्रार्थना स्वरूपों की खोज करके वेखे होंगे तो उसनों असलीयत की कुछ सोझी होंगी पर इन्होंने बेईमान लोगों की तो मनशा ही दमदमी टकसाल को झूठा बदनाम कर दी है जो कि असलीयत के सामने कदे भी नहीं टिक सकेगी। खालसा जी आप समूह संगत यह भली भांत जानते हो कि दमदमी टकसाल दसम पिता जी के थापड़े नाल गुरु काल तो ही गुरबाणी विद्या का प्रचार अते प्रसार करती आ रही है सदियों तो ही जो पाठों के सरूप टकसाल विच सीना बसीना चलते आ रहे ने उहो ही टकसाल वल्लों प्रकाशित पोथियां दे विच छपदे ने छपदे सी ते छपदे रहणगे। इन्हां विचों किसी भी पाठ में टकसाल के विद्वाना वालों कोई वाद घाट अपने वालों किए जाने का कोई स्वाद ही पैदा नहीं होंगे। इन्हां ईरखालू बिरती वाले लोगों नूं शायद ये पता ही नहीं होगा कि सन 1960 ईस्वी में श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों समुचिया पंथक जथेबंदियां समुचिया पंथ संप्रदावां समुचे पंथ की सहमति के नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सरूप छापे गए सी। दमदमी टकसाल उस पुरातन छापे के अनुसार पोथियां छापदी है पाठां विच कुछ फर्क जिहड़े पए वह कुछ व्यक्तियों दीआं लुकवीआं कारवाईआं नाल श्रोमणी कमेटी वाले छापिआं विच पए है। साध संगत जी वह व्यक्ति जिहड़े कि खालसा पंथ के उच्च अहुदिआं ते भी विराजमान रहे और खालसा पंथ का गुरु घर दा खांदे रहे गुरु घर दीआं गड्डीआं वरतदे रहे गुरु घर दीआं सहूलतां लैंदे रहे जथेदारियां तक जिन्हां ने भोगियां उन्हां व्यक्तियों के कोझे जतना दे नाल लुकवे ढंग दे नाल श्रोमणी कमेटी वालों लगाई प्रेस दे विच अपना असर रसूक वरत के इन्हां ने पाठां दे सरूपां दे विच फर्क पाया। सो इस प्रकार ये सारे लोग जिहड़े ने इन्हां ते इन्हां दे सहयोगियों की जिहड़ी पुष्ट बनाई है उहदे नाल ही ओंकार सिंह ते थमिंदर आनंद वर्गियां ने गुरबाणी पाठां उपर कलमी हमले कीते ने जो कि उन्होंने अपने वीडियो विच जां अपनियां भेजियां चिट्ठियां विच खुद कबूल किया है कि फलाने फलाने बंदे ने सानू ये कुछ करने वास्ते कहा तो उन्होंने सानू वो सारा समान मुहैया कराया। सो इस प्रकार इतों तक
कि बाबा दीप सिंह जी के जो लिखे हुए सरूप पंथ के विच मौजूद ने दमदमा साहब की पावन धरती से केवल सिंह वर्गिया ने उत्थे जथेदार हुंदिया होया उस सरूप विच भी अपने कोलों बिंदियां लगाउण दा कोझा कर्म किया। सो जिहड़े ये पाठ भेद सामने रखे गए ने उस पीडीएफ विच वो दमदमे टकसाल के छापे जिहड़े ने वो पुरातन लिखता मुताबक शुद्ध ने फर्क पए ने ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਭਾਵ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਭਾਵ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਸੱਤ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਰਕ ਪਾਏ ਗਏ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਮਾਤਰਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਮਾਤਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭੇਦ ਅਨੇਕਾਂ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਤਿਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਝੂਠਾ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ PDF ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈ, ਸਾਡਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਈਰਖਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਮ ਹੈ, ਜੇ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਛਾਪਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਛਾਪੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।